आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सुन के आपको हैरत होगी, हमारे देश में हर एक मिनट पे एक एक्सीडेंट हो जाता है और हर चार मिनट में एक्सीडेंट की वजह से एक इंसान खत्म हो जाता है। एक दिन में 1300 लोग घर से निकलते तो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट्स की वजह से वापस जख्मी होके आते हैं। 16 मासूम बच्चे रोज मर जाते हैं हमारे देश में एक्सीडेंट्स की वजह से। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक्सीडेंट होना एक बुरी किस्मत है, एक बैड लक है। लेकिन ये बात आप कब समझेंगे और समझाएंगे कि एक्सीडेंट होना सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है? इस चीज को हम क्यों नहीं समझते कि हमारी लापरवाही की वजह से ये जो चार टायर हैं, ये चार कंधे बन सकते हैं। अपने ही शहर में मैं देखता हूं कि हर तरफ कॉफिन ऑन व्हील्स घूमते हैं। क्यों हम अपनी जान के दुश्मन बन रहे हैं? अब आपको शायद ये सुन के ये लग रहा होगा कि मेरी तो गलती है नहीं, मैं तो गाड़ी ठीक चलाता हूं। गलती आपकी ये होगी कि ये सुनने के बाद अगर किसी को आपने ये मैसेज नहीं पहुंचाया तो शायद वो इंसान आखिरी सफर कर रहा हो अपनी जिंदगी का। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आप रेडियो या मेरी नॉर्मल आवाज मत समझिएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 1.4 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, मर चुके हैं रोड एक्सीडेंट्स में। तीन चीजें जो आप करेंगे, एक तो इस मैसेज को फॉरवर्ड करिएगा हर इंसान को, दूसरा जितना हो सकता है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, और तीसरा जो लोग रोड एक्सीडेंट्स में जान गंवा चुके हैं उनके लिए प्लीज 2 मिनट का मौन रखें।